बनाते हैं सबसे पहले तो ये बताएं। सर हम लोग ये सोया वैक्स से बनाते हैं। नॉर्मली कैंडल हम लोग लेते हैं जो 2-2.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, स्मोक भी रहता है, काला धुआं भी रहता है। हम लोग का ये प्योर हर्बल है, जो सोयाबीन का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे ये वैक्स बना है, सोया वैक्स। तो ये पूरा हर्बल है, कोई हार्मफुल नहीं है। स्वीट्स के शेप में जो कैंडल बन रहा है वो देख रहे हैं इस बार मार्केट में सबसे ज्यादा कस्टमर का ज़्यादा डिमांड है कि स्वीट्स में ये बनाया जाए, तो हम लोग का कस्टमर को देखते हुए हम लोग स्वीट्स का इस बार ज़्यादा बना रहे हैं। मतलब जो कस्टमर आ रहे हैं डिमांड स्वीट्स कैंडल की ज़्यादा, कस्टमर हम लोग को जैसा कस्टमाइज करते वैसा हम लोग को बनाकर उनको देते हैं। ये कुछ देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है, ओरिजिनल स्वीट्स की तरह शेप दे रहा है ये। हाँ जी, इसको लेकर कस्टमर क्या रिस्पांस कैसा दे रहे हैं? रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं, स्वीट्स के कैंडल में काफ़ी यूनिक है, तो कस्टमर काफ़ी अच्छा ये दे रहे हैं, व्यू दे रहे हैं कि अच्छा ये है, हर्बल भी है तो ये कोई हार्मफुल भी नहीं है। तो कस्टमर जैसा हम लोग कस्टमाइज करें उस हिसाब से, उन कस्टमर के बेसिस पे हम लोग अपना सारा कैंडल, जैसे ये देखिए मोदक के शेप में, ये बनाने में 2 घंटा लगता है, 2 घंटे में आपको ऐसे रेडी होकर मिल जाएगा। ये कम से कम 5 से 6 घंटे तक ये जलेगा, फ्रेगनेंस भी करेगा, स्मोक फ्री है, इको फ्रेंडली है। ये लड्डू है, इसको भी बनने में 2 घंटा लगता है, ये भी इको फ्रेंडली है, सारा इको फ्रेंडली है। ये तो खाने, कोई बच्चे आते तो उठा के खाने लगते, तो हम लोग बोलते हैं ये खाने के नहीं है, जलाने के लिए है। ये देखिए स्वीट्स है जिसे बोलते हैं काला जामुन, ये कस्टमर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ये बोल रही है जलाने के लिए या खाने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं खाने के लिए नहीं जलाना। मैम सर ये कम से कम ये 20 से 22 घंटे तक ये जले, क्योंकि जली है, जली काफ़ी देर तक जलता है, बर्निंग आवर्स का काफ़ी टाइम तक है, तो ये सारे इको फ्रेंडली। हाँ सारे इको फ्रेंडली है ये, जो स्मोक आएगा वो ना स्मोक आएगा ना काला धुआं आएगा, पूरा हर्बल है। फ्लेवर भी हाँ, जैसे इसमें चॉकलेट का फ्लेवर होगा, जैसे जैसे स्वीट्स में रहता है उस तरह का हम लोग फ्लेवर डालते हैं। कितना टाइम लगता है इस सबको बनाने में? इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जेली काफ़ी देर तक जमता है, इसको जमेगा उसके बाद ही इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। नॉर्मल जो हम देख रहे हैं इन सब कैंडल्स को जिसका जितना क्वांटिटी रहता है, जैसे इसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ये टी लाइट हुआ, इसको बनाने में 1/2 घंटे में ये जमकर ऐसे रेडी हो जाता है। ये कम से कम बर्निंग आवर 4 से 5 घंटे तक ये चलेगा और फ्रेगनेंस भी करेगा, फ्लोटिंग कैंडल पानी में फ्लोट भी करेगा ये। क्या प्राइस आप लोगों ने रखी है इस कैंडल के यहाँ पे? सर जिसका जिस टाइप से ये क्वांटिटी है उस हिसाब से स्टार्टिंग हम लोग क्या है, कैंडल 10 से लेकर 700 800 900 तक के भी कैंडल मिलती है। 700 रुपए तक के हाँ, अभी और नया नया हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो नया नया कैंडल और आएगा। तो खादी मॉल में रिस्पांस आप लोग को अच्छा? खादी मॉल में हाँ रिस्पांस अच्छा मिला, काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिला है, तो हम लोग भी अच्छा लग रहा है कि खादी मॉल में आए, हम लोग को बुलाया गया ट्रेनिंग देने के लिए, तो हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ इंतजाम किया गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफ़ी सारी जो कस्टमाइज कैंडल है वो भी खादी मॉल में इस बार मिल रही है दिवाली। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड जो है वह ग्रामीण उत्पादकों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए खादी मॉल का संचालन करता है, और उसी के मद्देनज़र इस बार के दीपावली पर हमने बिहार के कई गांवों के लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पर लॉन्च किया है। जैसे धनतेरस के अवसर पर हम लोगों ने आरा जिला के परेब गांव में बने हुए पीतल और कांसा के बर्तन हमने लॉन्च किए, इसी तरह से जो कुम्हार भाई हमारे हैं जो मिट्टी के जो कलाकार हैं उन्होंने तरह तरह के उत्पाद बनाए हैं, मॉडर्न दिए बनाए हैं, उन सबको हमने इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही जो हमारी ग्रामीण महिलाएं कैंडल्स बनाती हैं और बाकी दूसरी चीज़ें बनाती हैं, सजावट के सामान बनाती हैं, उन सबको हमने खादी मॉल में लॉन्च किया है एज ए विलेज इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट। साथ में पटना की एक जो दृष्टिहीन बालिका विद्यालय है उनकी छात्राओं के द्वारा बनाए गए कैंडल्स लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, तो उसको भी हम लोगों ने इस साल लॉन्च किया है। उद्देश्य यह है कि जितने भी विलेज इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वह एक छत के नीचे प्राप्त हों, और जो लोग बाहर से आते हैं, बिहार के बाहर से भी आते हैं और जो बिहार के हैं वो भी जानें कि बिहार में उद्यमिता का एक नया वातावरण बना है, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं, और उसी की श्रृंखला में जो 2-3 छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उनका लाइव डेमो भी हम लोगों ने करवाया है। एक तो हम लोगों ने स्कीम चलाया है कि मेक योर ओन कैंडल, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्कूल की बच्चियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनको हम कैंडल बनाना सिखा भी रहे हैं, 1 से 2 घंटे के प्रोसेस में वो कैंडल बनाना सीख ले जा रही हैं और फिर अपना कैंडल खुद बना कर करके घर ले जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कैंडल बनाने की प्रक्रिया सीख कर कर करके उनको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, और साथ ही उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भी डेवलप हो रही है। हो सकता है कि जितने लोगों को हम सिखा रहे हैं उसमें से अगले साल 2-4-5 लोग अपना कैंडल बना करके बाजार में लॉन्च करें, तो ये भी एक उद्देश्य है। कस्टमर की तरफ से कैसा रिव्यू सर आप लोगों को मिल रहा है जब आप लोग ऑडिट कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए बिहार के प्रोडक्ट बेहतर हैं,
हमारे जो ग्रामीण कलाकार हैं, हमारे जो ग्रामीण उद्यमी हैं, वह काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी बहुत सारे लोगों को सहायता उद्योग विभाग ने दी है, करीब 35,000 लोगों को, उसमें से भी सैकड़ों अच्छे प्रोड्यूसर्स निकल करके सामने आए हैं और उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता है। तो यदि क्वालिटी प्रोडक्ट में रहेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आएगा। तो चाहे वो हमारी जो विजुअली चैलेंज्ड गर्ल्स स्कूल की बच्चियों का कैंडल हो, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया कैंडल उन लोगों ने बनाया है, या फिर परेब के गांव में बने हुए बर्तन हो, सभी पसंद आ रहे हैं। और खादी और सिल्क के जो सामान है वो तो लगातार हम देते ही रहते हैं, मधुबनी की खादी, भागलपुर का सिल्क, ये सब कस्टमर्स को पसंद आते रहे हैं। और जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो एज ए मेमोरी या बिहार की पहचान के रूप में ये सारे प्रोडक्ट ले जाते रहे हैं। दीपावली पर जो नया ट्रेंड है वो यही कि हम लोग विलेज इंडस्ट्रीज पर भी बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे लोगों की एक पसंद बनती जा रही है। छठ के अवसर पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो बिहार के गांव में सूप बनते हैं या डलिया बनता है और बाकी जो प्रोडक्ट बनते हैं, माटी का चूल्हा बनता है, उन सबको भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। देखिए, एक तरह से सरकार द्वारा संचालित एसी मॉल है, लेकिन एसी शॉपिंग मॉल में हम गाँव की संस्कृति को प्रकट करने की, लाने की कोशिश कर रहे हैं। Thank you.